हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी अरबिया की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है नासिर अल हाजरी। दोस्तों, बहुत सारे भाई लोग इसको अल हाजरी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। इस कंपनी में टाइम से सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या इस कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या इस कंपनी का फैसिलिटी मेजरमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कोई वर्कर भाई जाएगा तो इसमें फंसेगा तो नहीं, और भी बहुत सारी जानकारी इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में देने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा कर रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नासिर अल हाजरी कंपनी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों यह एक इंटरनेशनल कंपनी है। ये दोस्तों सऊदी अरबिया का मेन कंपनी है, इसके जो ओनर हैं सऊदी अरबिया के हैं और ये सऊदी अरबिया का मेन कंपनी है। लेकिन ये सऊदी अरबिया के अलावा दोस्तों दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत ये कंपनी चलती है दोस्तों। तो यह एक इंटरनेशनल कंपनी है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये कंपनी काम क्या कराती है। तो आप लोग को बता दें कि ये कंपनी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, मैकेनिकल फील्ड में, मेंटेनेंस में, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेट्रोल पंप और भी बहुत सारी काम ये कंपनी कराती है। बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट इसको मिलता है कंपनी को। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरबिया में जो नासिर अल हाजरी कंपनी है, इसका सऊदी अरबिया में नासिर अल हाजरी जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्लाइंट के अंडर में ये काम करता है। दोस्तों, आप लोग को बता दें सऊदी आरामको प्रोजेक्ट के अंडर में भी ये काम करता है। आप लोग को मालूम होगा दोस्तों कि सऊदी अरबिया का जो आरामको कंपनी है पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है, उसके साथ इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोस्तों। दोस्तों, ये कंपनी 1973 में सऊदी अरबिया में स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर अब तक ये कंपनी चल रही है। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी है और कितनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी की वैकेंसी के बारे में बात करें तो इस कंपनी के वैकेंसी इंडिया में दोस्तों हमेशा चलता रहता है दोस्तों। कभी कतर का तो कभी बहरीन का तो कभी सऊदी का, मतलब इस कंपनी का वैकेंसी चलता ही रहता है दोस्तों। ज़रूर साल में दो चार बार इसका वैकेंसी इंडिया में कोई ना कोई ऑफिस पे आ जाता है। दोस्तों, सऊदी अरबिया में इस कंपनी का मेन पावर की बात करें दोस्तों तो सऊदी अरबिया में इस कंपनी में लगभग में 30,000 प्लस मेन पावर आदमी होंगे इस कंपनी में। दोस्तों, इस कंपनी में सैलरी की बात करें तो इस कंपनी में हर महीने आपको सैलरी मिल जाएगा, टाइम टू टाइम सैलरी इस कंपनी में मिलता है। सैलरी को लेकर तो कोई मुश्किल होता ही नहीं है इस कंपनी में। दोस्तों, 2 साल पे 2 महीने की छुट्टी है, लीव सैलरी, टिकट उकट सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, इस कंपनी में एक बात और है, फ्री फूड है, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है। आपको ड्यूटी बस से जाना है, बस से आना है, कंपनी का मेस हॉल है, खाना खाना है, कंपनी खाना प्रोवाइड कराती है, चाहे वो स्टाफ हो या लेबर हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कंपनी का इंडिया में रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ जाता है। तो आप लोगों को बता दें इस कंपनी का रिक्वायरमेंट जो है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोची, यूपी, बिहार, हर जगह इसका इंटरव्यू जाता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें, इस कंपनी में फ्रेशर के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, क्योंकि ये सिविल मैकेनिकल दोनों का मेंटेनेंस का भी काम कराती है। अगर आपको थोड़ा बहुत ही काम मालूम है इस कंपनी में चले जाएंगे तो आप लोग को कोई मुश्किल नहीं होगा।
तो इस कंपनी में अगर आप लोग जाना चाहते हैं, कहीं वैकेंसी मिले तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं, जा सकते हैं दोस्तों। कंपनी बहुत ही अच्छी है। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले डिसीजन आपका है, लास्ट डिसीजन आपका है। मैं जाने से पहले दोस्तों एक बात और आपको सजेशन करने वाला हूँ कि आप लोग खुद पता कर लें कंपनी कैसी है, जाएं कि ना जाएं। चाहे अपने दोस्त हो या कोई रिलेशन वाला हो या कोई रिटर्नर हो जो उस कंपनी से आया हो, तो जानकारी आप लोग खुद ले लें। जब तक आप लोग जानकारी ना लें तब तक आप लोग किसी कंपनी में भी इंटरव्यू ना दें। आप लोग अच्छे से अच्छे जानकारी ले लें, जानकारी ले लेंगे तो आप लोग टेंशन मुक्त रहेंगे, आपको दिमागी टेंशन नहीं रहेगा कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, मेरे भी कहने पर आप लोग भरोसा ना करें, आप लोग खुद पहले पता लगा लें फिर आप लोग इंटरव्यू दें। दोस्तों, एक ही कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंट्री है। जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपका दिल करे वहां आप जाएं, लेकिन आप लोग अच्छे से पता करके जाएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।